Hello beautiful people, hopefully you all been doing great. As you already know that we are doing two different series simultaneously. One is about the tenses and another one is about the past speech. So in today's lecture we will be talking about the verb definition and the different types of the verbs. Now keep that in mind, there cannot be any sentence without main verb. ये बात जहन में याद रखिए कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये बैकबोन होता है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को देखें कि व्हाट इज़ अ वर्ब, तो वर्ब की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। सेकेंड डेफिनेशन को देख लीजिएगा, शो अ वर्ड दैट शो द एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वर्ब। वर्ब हमारे पास वो वर्ड होते हैं जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, लहना, सहना, धोना, रोना, दोना, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास वर्ब्स होते हैं या उसके समटाइम्स एग्जिस्टेंस को भी शो करते हैं। टाइप नंबर वन की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर वन में हमारे पास वही कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास किसी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का फिजिकल या मेंटल एक्शन शो कराता है, जैसे कि रन, walk, talk, swim, go, dance. These are some of the common examples of the action verb. ये तो आप सबको आता होगा। बढ़ते हैं linking verb की तरफ। Linking verbs are the verbs that connect the subject to its predicate. जो कि sentence में subject को predicate के साथ link करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? Linking verb. Is, am, are, was, were. Normally they are considered to be as a linking verb. क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, अगर हम कहें कि शी इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ के बाद जो बाकी का सेंटेंस है इसमें इज़ ने हमारे पास किस चीज़ का काम किया है? कनेक्टर का काम किया है, जिसने शी को बाकी सेंटेंस के साथ क्या किया है? कनेक्ट किया है। इसीलिए इसको यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब असिस्ट द मेन वर्ब टू फॉर्म अ कम्प्लीट थॉट इन अ सेंटेंस। ये मेन वर्ब को असिस्ट करता है कि वो सेंटेंस में मुकम्मल मतलब लाए। अब यहाँ पे ये बात गौर करने वाली होगी कि हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। नॉर्मली इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैड, हैज़, हैव। दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, व्हिच इज अ मॉडल वर्ब्स। सो द मॉडल वर्ब्स कैन समटाइम्स बी वेरी ट्रिकी। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट यूजेज। अगर हम एक्सप्रेस करें किसी पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, परमिशन को, तो वहाँ पर जो हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जैसे कि कुड, वुड, माइट, शल, शुड। ये बाद में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कुड, वुड, शल, शुड का क्या यूज़ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इस टाइप को इतना ही डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली पॉसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एबिलिटी, अवेलेबिलिटी, जो उसके लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन, व्हिच इज़ अ स्टेटिव वर्ब। अ स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब्स स्टेट और कंडीशन। जब हमारे पास एक वर्ब किसी बंदे के या किसी चीज़ की स्टेट या फिर उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करे, बयान करे, बताए, तो वो हमारे पास स्टेटिव वर्ब होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में नॉर्मली नहीं आते, जैसे कि हेट, तो हेट का आपने हेटिंग नहीं सुना होगा, बिलीविंग नहीं सुना होगा। तो स्टेटिव वर्ब हमारे पास किसी चीज़ की स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको इसलिए हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, व्हिच इज़ द मोस्ट एसेंशियल वंस, प्रेज़ल वर्ब्स। प्रेज़ल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब and a preposition or adverb. Phrasal verbs normally हमारे पास वो verbs होते हैं, इस पर हमने एक short video भी बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो उसे भी देख लें, कि phrasal verb में normally हमारे पास main verb के साथ एक preposition या adverb मिलकर उस main verb की मुकम्मल meaning को change कर देता है। ठीक है, हमने example में लिया था कि bring up, ब्रिंग का वैसे मतलब होता है लाना, लेकिन इसके साथ अगर हम अप का इजाफा कर देते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है परवरिश करना या पालना। तो प्रेज़ल वर्ब्स नॉर्मली स्पोकन लैंग्वेज में नेटिव स्पीकर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जभी तो हमारे लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। जब हम पैसिव की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिस पर सब्जेक्ट का एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे कि शी इज़ रीडिंग या शी रीड्स अ बुक, दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल खेला जाता है, वो किताब पढ़ रहा है। राइट आफ्टर द मेन वर्ब जब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जिस पर सब्जेक्ट का एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो हमारे पास ट्रांजिटिव होते हैं और ट्रांजिटिव के पैसिव बनते हैं। Moving towards the next one, which is an intransitive verb. So the intransitive verbs are these verbs that do not require direct object. ये हमारे पास वो verbs होते हैं जो कि ख़ुद से ही मुकम्मल मतलब देता है और उसको एक object की ज़रूरत normally नहीं पड़ती। For example, he sleeps, तो वो सोता है। They laugh, वो हंसते हैं। She went, और normally इन ही intransitive sentences के पर हम passive नहीं बना सकते due to intransitive verb. तो यहाँ तक ये कंफ्यूजन भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। Moving towards the next one, which is an irregular verbs. Regular verbs are those verbs which second and third form can be formed by AD. For example, talk, talked and talked, walk, walked and walked. तो जब हमारे पास वर्ब के साथ आप ED ऐड करके उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हो तो वो रेगुलर्स होते हैं। लेकिन इरेगुलर और दूस verbs that do not follow the regular pattern of conjugation, जो कि हमारे पास verb के regular pattern को follow नहीं करते। अब इसमें हम for example go, तो इसका second form क्या होगा? went, third क्या होगा? gone। इसी तरह से eat, ate and eaten, तो इसके first, second और third form normally एक दूसरे से different होते हैं and that is why they called irregular verbs. होपफुली यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अब भी इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लेड टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।